तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे, आज हम लोग वापस से खेल रहे हैं रोप फ्रॉग निंजरो गेम। एंड यार, आप लोगों को तो पता होगा कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या चीज़ दिखाई थी। सो जिसको भी नहीं पता ना, इसमें याद दिला देता हूँ या रिमाइंड करा देता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोग को रस्टेड कार्स दिखाई थी, जिसमें कि आप लोग को बहुत सी कार्स देखने के लिए मिली थी। एंड यू नो, उसमें सुपर कार्स भी थी, यानी कि सुपर रस्टेड सुपर कार्स, ठीक है, कह सकते हो रस्टेड सुपर कार्स कह लो, या फिर हाँ रस्टेड सुपर कार्स ही कहना सही है। हाँ, तो वो देखने के लिए हमें मिली थी, एंड उसमें से एक थी बुगाटी वेरोन, ठीक है। एंड मैंने बाकी कार्स के नाम भी आप लोगों से पूछे थे कमेंट्स में, तो कुछ बंदों ने बताए थे, तो कुछ नाम्स तो पता चले हैं, बाकी कुछ नहीं पता चले। ओके, सो जिसने भी वीडियो नहीं देखा ना, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके देख लेना। एंड यस, मुझे बताना आप लोग की फेवरेट कार कौन सी रही उनमें से। बिल्लर, एक बार एक चीज़ नोटिस करिए आप लोगों ने, यहाँ से देख लो थीम कितनी बढ़िया आ रही है गाइस। मतलब एक बड़ा घर, एक इतनी बढ़िया सुपर लग्जरी कार, एंड इधर की तरफ में जो फाउंटेन्स चल रहे हैं, प्लस ये जो ट्री है यहाँ पे, काफ़ी मस्त थीम लग रही है भाई। मतलब घर हो तो भाई ऐसा हो, वरना हो ही ना, मतलब क्या ही तो मस्त है। वेल, चलिए गाइस, अब भी आप लोग को मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि ये कार मुझे कहाँ से मिली है। सो आप लोग को याद होगा, कुछ टाइम पहले जब हम लोग उधर वाले घर में रह रहे थे, तो वहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या किया था, एक बार वहाँ पर जो है ये कार आई हुई थी। ले भाई, टक्कर होगी, शीशा फोड़ दिया भाई मेरी गाड़ी का, चलो कोई नहीं तो रिपेयर हो जाएगा। वेल, सो वहाँ पर जब हमारी फाइट चल रही थी, उस दौरान आप लोग को याद होगा कि मैंने एक बंदे की कार चुरा ली थी, क्योंकि वो बंदा लिटरली वहाँ पे बीच में फंसा के खड़ा था। तो मैंने सोची चल भाई निकाल ले इसको फटाफट से, अब तो वैसे भी अपनी हो गई है। बट गई उसे लेके हम लोग भाग के जाके, इसमें आग भी लग गई थी, तो हम लोगों ने भाग के जाके इसको गैराज में मतलब रख दिया था या पार्क करा था, ताकि ये सही हो जाए। एंड अभी ये सही हो गया तो हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। वेल यस गाइस, आज की वीडियो का अंदाज़ा नहीं है मेरे को, वैसे थोड़ा बहुत तो आइडिया आया, बट एक्चुअली में नहीं पता कि हम लोग क्या करेंगे। वेल, तो अभी तो मुझे हस्कत के पास ही जाना पड़ेगा। वेल एक सेकंड यार, मैं एक बार इसको एकदम हाई स्पीड पे चलाना चाहता हूँ, आगे से कट लेके जाएंगे भाई अंदर को। अरे ले, ये इसने अड़ा दी। चलो गाइस, अभी आगे वाले कट से लेंगे अंदर को। वेल, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी लगती है गाइस मेरे को यार, ये एक तो इलेक्ट्रिक कार है कह सकते हो, सुपर इलेक्ट्रिक कार, सॉरी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलती है। एंड अभी आप लोगों ने देखा कितने स्मूथ कट मार रही है भाई, ठीक है, ये देखो, एंड लिटरली हस्की ज़्यादा। अरे ले भाई, भिड़ गई, घनी तेज हो गई थी कि भाई टायर निकल गया गाड़ी का। वेल चलो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फटाफट से हस्की दादा से बात कर लेता हूँ, एंड उसके बाद आप लोगों से फटाफट से मैं मिलता हूँ। सो के गाइस, मेरी हस्की दादा से बात हो गई है, एंड अब भी यार हस्की दादा बोल रहे हैं कि जिस टाइप की तुम्हारी ये स्पोर्ट्स कार है ना, इसी टाइप की हम लोग, मैं आज तुम्हें कम से कम भी 10-12 स्पोर्ट्स कार देने वाला हूँ, एंड तुमने टेस्ट करके बताना कि कौन सी बढ़िया रही, एंड जो तुम्हें अच्छी लगे वो तुम रख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, अभी ये जो स्पोर्ट्स कार है, ये तो आप लोग देख पा रहे हो, वैसे स्पोर्ट्स कार नहीं, एक तरीके की सुपर कार है, जिसका नाम है रेयर इलेक्ट्रिक सुपर कार। ये कि लैम्बोर्गिनी टैरोज़ो के नाम से जानते हैं हम इस कार को मेनली। सो आप लोग को पता ही होगा कि यार जो लैम्बोर्गिनी टैरोज़ो काफ़ी स्पीड में चलती है, बट गाइस इससे भी अच्छी अच्छी सुपर कार हस्की दादा ने इम्पोर्ट कराई हैं, बट वो ऐसे इम्पोर्ट नहीं होंगी, पहले मुझे जाना पड़ेगा एक सीक्रेट जो शोरूम है वहाँ पर। आप लोगों में से काफ़ी बंदे पूछ रहे थे कि शोरूम किधर है, मैंने आप लोगों को बताया था सीक्रेट शोरूम के पास में, अगर किसी ने लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा तो उसे पता होगा। ओके, सो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आप लोग को उधर ही। एंड ये जो सामने बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, यही है हमारा सीक्रेट शोरूम, ठीक है। सो अभी इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, एंड इसके अंदर से सीधा हम लोग इम्पोर्ट कराएंगे सारी सुपर कार्स को अपने एयरपोर्ट पर, ठीक है। एंड पैसे सारे हस्के ज़्यादा पेमेंट करने वाले हैं। सो अभी मैं चलता हूँ जल्दी, फटाफट से यहाँ पर कार पार्किंग में लगा दूँ, क्योंकि ऑलरेडी टूटी हुई है तो बेइज्जती हो जाएगी। एंड चलते हैं फटाफट से अंदर बहुत जल्दी से। ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी एयरपोर्ट पे इंपोर्ट करा दिए हैं भाई सारी सुपर कार्स, बस मुझे जाना है, ड्राइव करनी है, एंड बस उन्हें टेस्ट करना है, ठीक है। सो अभी मेरा इतना ही काम रह गया गाइस, अब मैं फटाफट से चलता हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई यार मेरे को है ना भाई सुपर कार्स बहुत जल्दी करके टेस्ट करनी है, क्योंकि यार ये सुपर कार्स हैं, इनकी स्पीड एक तो इतनी औसम होने वाली है कि भाई लैम्बोर्गिनी टायर्स उससे भी ज़्यादा होगी भाई, ये क्या हो गया, लाइक भाई टायर तो ऑलरेडी निकला पड़ा है मेरी गाड़ी का। ले भाई, ऊपर से ये कलेश और हो रहे हैं, ये देखो भाई, ये देखो गाड़ी को दोरे पड़ गए भाई, लिटरली सारे कांच फूट गए। ओ भाई कैसे, ये क्या हो गया गाइस। ओके ओके, निकल गए निकल गए फाइनली। ओके गाइस, फाइनली इतनी मुश्किल से बची है भाई लैम्बोर्गिनी, नहीं तो आज तो इसका कलेश हो जाना था पूरा। सो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से एयरपोर्ट पर, तो आ ही गए हैं, बस अभी आगे वाले कट से हमें अंदर को लेना, एंड दैट्स इट, वी आर डन। तो चलिए गए जल्दी से हम लोग टेस्ट करते हैं ये सारी सुपर कार्स को। सो के गाइस, ये रही हमारी पहली स्पोर्ट्स कार, एंड ये लाइक कुछ टाइप से मैं बताऊं तो अपनी जैसे यहाँ पे नहीं होती है, अपने यहाँ पे जो कार पाई जाती है इंडिया में, इंडिका वगैरह वगैरह पे, उसके जैसी है कुछ कुछ लिटरली। और बाकी यार आप लोग बताना किसके जैसी है ये स्पोर्ट्स कार।
एंड आई डोंट थिंक वो स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में आनी चाहिए। वेल ये आएगी क्योंकि ये है बुगाटी, मतलब बुगाटी का कोई सा मॉडल है मुझे बस नाम पता है कि हाँ बुगाटी है, इतना कन्फर्म है। वेल यार ये काफ़ी अच्छी कार है, मतलब देखो इसके कंट्रोल्स, ड्रिफ्ट एंड टायर काफ़ी बड़े हैं सो इसीलिए इसके कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे हैं गाइज। ओके एंड हाँ ये भी भाई कुछ ऐसे सस्ता ही मॉडल लग रहा है मेरे को तो, मतलब इतना अच्छा नहीं है बट हाँ जो भी है सही है गाइज। ओके सो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ इस कार के बारे में कुछ भी, कैसी भी हो सकती है भाई पता नहीं भाई। वैसे चलने में सही है पर टायर ज़्यादा ही काले नहीं हो गए क्या इसके, मतलब लाइक आप लोग देखो रिम तो भाई चमक ही नहीं रहे बिल्कुल। वेल चलो गाइस ये बंदा फाइट करने आ रहा था, इसको मैंने पेल दिया एंड अब भी भाई ये अभी ये तो फ्यूचर कार है भाई, मतलब कुछ इस टाइप से है। एक बार देखो गाइस इसका लुक देखो भाई, मतलब क्या ही तो लुक बना दिया भाई, जैसे कुरकुरे नहीं होते टेढ़े मेढ़े वैसे ही बना दिया भाई इसका तो भी मतलब लाइक कुछ भी। ओके वेल चलो गाइस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगली कार को टेस्ट करते हैं। सो ओके गाइस अभी आ चुका है हमारा लैम्बोर्गिनी का मॉडल एंड ये नाम मुझे मुझे सही बताओ ना लिटरली लैम्बोर्गिनी में से कुछ ही लैम्बोर्गिनी का नाम पता है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी टैरेज़ो, लैम्बोर्गिनी सियान, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, लैम्बोर्गिनी पता नहीं भाई और नहीं पता, यही पता है तीन चार नाम। वेल ये कौन सी है मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को कारों की अच्छी खासी नॉलेज है। वेल ये कौन सी है, मस्टैंग है क्या भाई, लाइक मस्टैंग का ही कोई मॉडल होगा ये पक्का, क्योंकि गाइस मस्टैंग के ही कुछ ऐसे ही लुक वाली कार होती हैं एंड लाइक टायर्स भी ऐसे ही होते हैं कुछ उनके, सो मुझे तो मस्टैंग का मॉडल लग रहा है पक्का। फिर से सस्ती इंडिका आ गई यार, मुझे सही बताओ ना ये कार पसंद नहीं है बट यार स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में है सो हम लोग चला के देखने में क्या जा रहा है भाई, थोड़ा सा घुमा लेंगे। वेल एक सेकंड यार ये उस कार से तो अच्छी कंट्रोल हो रही है, वो भाई इसके कंट्रोल कुछ कुछ उस बुगाटी जैसे हैं जो शुरू में चलाई थी भाई, ये सही है यार, मतलब एवरेज है, एवरेज तो एवरेज से ऊपर है, एवरेज नहीं है एवरेज से ऊपर है। ओके सो अभी भारी आती है एक और सस्ती इंडिका या फिर मुझे नहीं पता कौन सी कार है ये, जो भी है वेल इसके कंट्रोल जितने अच्छे नहीं है क्योंकि ये ड्रिफ्ट ज़्यादा मार रही है भाई, देखना कंट्रोल में भी नहीं आ रही, ये इतनी अच्छी नहीं है। ओके सो अभी चलते हैं वापस से अपनी लैम्बोर्गिनी फरारी जो भी है भाई ये मुझे नहीं पता। वेल यार इसका नाम जरूर बताना, ये वाली कार मतलब स्पीड अच्छी है मैंने सुना है गाइस, एंड ये कार मैंने कहीं और भी देखी है गाइस मुझे याद नहीं आ रहा अभी बट यस इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी रहती है और सही है चलने में भी अच्छी है। ओके अभी चलते हैं नेक्स्ट कार पर, एक सेकेंड भाई ये लैम्बोर्गिनी या तो एवेंटाडोर है या फिर ये है लैम्बोर्गिनी नहीं सियान तो नहीं है बट ये एक GTA 5 के एपिसोड में मैंने देखी थी किसी के, आई डोंट नो अभी मैं नाम बोल रहा हूँ बट यस एक GTA 5 के एपिसोड में मैंने देखी है भाई, ये वाली काफ़ी अच्छी है भाई लैम्बोर्गिनी एंड ये है गाइस लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एंड ये काफ़ी अच्छी है, मतलब लाइक आप लोग देखो भाई मेरी तो फेवरेट कार है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, आपकी कौन सी है इन कार्स में से, आप लोग की कौन सी फेवरेट कार है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यस मैं कमेंट्स रीड करता हूँ इसीलिए बता ही देना कमेंट्स में। वेल जो इससे पहले वाली कार थी वो भी अच्छी थी बट यार इसके कंट्रोल्स ज़्यादा एपिक हैं एंड काफ़ी मस्त चल रही है एकदम फ्लुएंट वे में। ओके सो अभी लास्ट कार आ गई है, ओके सो अभी बस इसको ही टेस्ट करना है एंड इसके बाद भाई मैं अपना आप लोग को पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। वेल ये कार लाइक नहीं मुझे पसंद नहीं आई, लुक वाइज पसंद नहीं आई है बट यस कंट्रोल्स भी इतने अच्छे नहीं है इसके, स्पीड एवरेज है सो आई डोंट थिंक ये कार मतलब कुछ कर पाएगी। सो मेरी फेवरेट तो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है, बाकी आप लोग बताना आप लोग की फेवरेट कौन सी है। चलिए चलते हैं आउट्रो पर। ओके गाइस आप लोग को ये सारी सुपर कार्स कैसी लगी मुझे बताना एंड वहाँ से आके मैंने सबसे पहला काम यही करा है, अपनी ये जो गाड़ी के टायर वायर टूट गए थे ने सबको रिपेयर कराया है एंड सही करा है भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाइस सही कराने का, ये फिर से नहीं नहीं इस बार कुछ नहीं हुआ बच गए भाई, नहीं तो पुलिस वाले को मैं बहुत बुरा मारता। बिलियस गाइस अब मैंने जो है ना अपनी कार रिपेयर करा ली एंड अभी मैं इसको नहीं ठोकने वाला हूँ, जो हुआ सो हुआ। वेल यार गाइस आप लोग को सुपर कार्स कैसी लगी सारी मुझे बताना कमेंट्स में, सुपर कार्स नहीं है स्पोर्ट्स कार हैं सो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कैसी रही है, ज़रूर से बताना ये कार कैसी लगी आप लोग को। वेल यार यहाँ पे मेरी टक्कर हो गई थोड़ी सी एंड इसकी वजह से यार मेरी कार का दोबारा से वही थोड़ा पुराने वाला हाल हो गया है बट उससे अब भी बेटर, कम से कम टायर तो नहीं गए ना भाई, और क्या चाहिए था। अरे भाई ले हो गया कलेस गाइस अभी हो जाएंगे भाई, अभी उतना ही खर्चा दोबारा देना पड़ेगा यार। वेल चलो गाइस कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड यस ये वाली सुपर कार्स कैसी लगी आप लोग को ये भी मुझे बताना ठीक है, एंड आप लोग की फेवरेट कौन सी रही ये ज़रूर बता देना क्योंकि अपने गेम में भी लैम्बोर्गिनी टैरेज़ो ही अवेलेबल है, मेरी फेवरेट थी इनमें लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर जो कि थी बहुत ही औसम ठीक है। सो बाकी आप लोग बताना आप लोग की फेवरेट कौन सी है। तो चलिए गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना
एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड मैं आप लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।